आज के फंडे के विनिंग सीरीज 69 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन इंडिया हैज सपोर्टेड एन इनिशिएटिव बाय चाइना टू कंडक्ट अ ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन इन 2023 ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल पहला स्टेटमेंट है भारत चाइना के इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है जो ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन करना चाहता है में Two, 2023 में एज अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल टू दिस बॉर्डर ऑपरेशन कॉल्ड एज अ सॉलिडारिटी बॉर्डर ऑपरेशन का नाम है सॉलिडारिटी 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द बो स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट दो सेंटेंस समझ गए ओके चलो मैच करते हैं मैं क्लिक कर रहा हूं यस आंसर इज सी बोथ आर करेक्ट थोड़ा सा गुगली लगता भाई इंडिया जब भी हम थोड़ा स्टेटमेंट जानबूझ के ऐसा डाला इंडिया और चाइना बोले तो अपोज ही होंगे नहीं भाई ऐसा नहीं रहता इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन यानी इंटर इंटरनेशनल जो पॉलिसी है इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो बड़ी बैलेंस्ड है बड़ी स्ट्रैटेजिक है है ना अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं है ना जैसे इंडिया में चल रहा है ना झगड़े के लिए झगड़ा वैसा नहीं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया अपना प्रॉपर वे से फॉरेन पॉलिसी रन करता है कब झगड़ा करना किसके साथ और कैसे यह इंडिया बेहतरीन तरीके से जानता है यह इसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा है ओके चलो न्यूज देख लेते हैं भाई न्यूज में ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्वेंटी फर्स्ट मीटिंग थी एक्सपर्ट ग्रुप एंड बॉर्डर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ सीएसओ कंट्रीज 15 से 17 जून तक जहां पे सभी ने जो है एस uh, के मेंबर्स वो सब अटेंड थे साथ में एग्जीक्यूटिव कमिटी रीजनल एंटी टेर स्ट्रक्चर जो थे रैट्स एस ये इसके भी मेंबर्स प्रेजेंट थे स्टेटमेंट में एक रिव्यू लिया गया प्लान का जो ऑपरेशन फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 ये साल होने वाला है उसका अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, है ना एस शाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश फिफ्टीन जून टू थाउजेंड इसके मेंबर्स कितने हैं How many members? So members So are eight. आठ मेंबर्स हैं. चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया तजिकिस्तान उजबेकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान यानी रशिया और इसके पहले के जो भी थे भाई सब साथ में चाइना इंडिया और पाकिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन है तो चार है ऑब्जर्वर स्टेट्स अफगानिस्तान बेलारूस ईरान और मंगोलिया ठीक है और डायलॉग पार्टनर्स कौन है तो डायलॉग पार्टनर्स सिक्स से छ है अर्मेनिया अजरबैजान कंबोडिया नेपाल श्रीलंका और टर्की गेस्ट अटेंडेंसेस कौन है तो आशियन ग्रुप है तुर्कमेनिस्तान है और यूनाइटेड नेशन ये थोड़ा ध्यान में रखो जानबूझ के थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने साथ में दे दिया है सेकंड क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया भारत का सार्वजनिक चुनाव जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए वन अ पर्सन कैन कंटक्ट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी कोई कितने भी कॉन्स्टिट्युएंसी जो है है ना उस पर उसमें से एक बंदा इलेक्शन लड़ सकता है मतलब एक साथ ही कितने भी कॉन्स्टिट्युएंसी में खड़ा रह सकता है अभी हमने देखा था ना मोदी जी दो जगह खड़ा रह गए थे है ना उस टाइप का ओके टू नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु कैन कंटेक्स्ट फ्रॉम अ सीट एक सीट के लिए कितने उम्मीदवार जो है कैंडिडेट खड़े रहे उसकी कोई लिमिट नहीं नो no मैक्सिमम ठीक है सो विच ऑफ द इज और आर करेक्ट कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है क्लिक किया ओके मैं क्लिक कर रहा हूं मैच करो आंसर इज बी ओनली टू इज करेक्ट ये करेक्ट है भाई ये गलत है एक बंदा कितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा नहीं रह सकता लिखा है कितना ओनली टू कितना ओनली टू दो मैक्सिमम दो एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में रूल 337 के तहत लिखा गया है कि अ पर्सन कैन कॉन्टेक्स्ट मैक्सिमम फॉर टू नॉट मोर देन टू दैट मीनस ओके और एक बंदे को कोई मतलब एक सीट के लिए कोई लिमिट नहीं है कितने बंदे खड़ा खड़े रहे और खास बात यह है कि एक एक वक्त ऐसा हुआ था, था यानी एक 1996 में 1996 में तमिलनाडु का जो है विधानसभा का चुनाव था है ना असेंबली इलेक्शन था असेंबली इलेक्शन में एक असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में हजार के ऊपर मोर देन थाउजेंट कैंडिडेट्स वेयर आर बिंग है ना वहां पे कितने थे हजार से ज्यादा तो ऑब्वियसली अभी तो ईवीएम कैसा लगेंगे है ना दैट इज जोक तो यहाँ पे कैसा था यहाँ पे बैलेट भी नहीं था हम बैलेट बोलते हैं ना तो बैलेट भी ढंग के नहीं था वो क्या था लिपलेट ला लिफलेट यानी एक बुकलेट ही बना दिया था सीधा ओके चलो क्या है न्यूज में देख लेते हैं न्यूज में ऐसा है भाई कि इलेक्शन कमीशन वांट्स पीपल टू रन फ्रॉम वन सीट वो बोलता है कि एक बंदा एक सीट से खड़ा रहे भाई है ना एक से ज्यादा सीट पर खड़ा न रहे एक 2004 में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेम्स माइकल लिंडोक थे उस वक्त ये इशू आया था कि भाई उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि एक सीट से वन सीट वन कैंडिडेट मतलब एक कैंडिडेट एक सीट के लिए खड़ा रह सकता है एक सीट से ज्यादा नहीं ना एक कॉन्स्टिट्युएंसी से ज्यादा नहीं रह सकता है ना अब इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चलो भाई वो खड़ा रह गया और बाद में उसने एक पोस्ट छोड़ दी व्याकरण कर दी उस सीट के लिए उसको जबरदस्त फाइन बिठाए जाए है ना ये वाला एक अच्छा सलाह जो है दे दिया है थर्ड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी एडीपी एक प्रोग्राम है एस्पारेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम उसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं वन एम टू ट्रांसफॉर्म क्विकली एंड इफेक्टिवली सिलेक्टेड मोस्ट अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है उनका एकदम से क्विकली और इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्मेशन करना यह उद्देश्य टू प्रोग्रेस मेजर्ड ऑन अ मंथली बेसिस मंथली बेसिस पर इसका प्रोग्रेस एक्सेस होगा अक्रॉस 49 नाइन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 49 जो इंडिकेटर्स है उसके आधार पर ऑल इंडिकेटर्स है ए फोर्टी नाइन की इंडिक ग्रुप्ड इन टू फाइव ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स ये 49 जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है इसको पांच ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है फोर परफॉर्मेंस डिक्लेयर्ड ऑन अ पब्लिक डोमेन पोर्टल कॉल्ड चैंपियंस ऑफ चेंज ये जो परफॉर्मेंस रहेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट का उसका एक पब्लिक डोमेन पोर्टल बनाया है उसको उसका टाइटल है चैंपियंस ऑफ चेंज चार स्टेटमेंट है कौन से फैक्ट्स करेक्ट है भाई क्लिक किया ओके चलो मैं क्लिक करता हूं मैच करते आंसर आंसर इज डी ऑल फोर आर करेक्ट चारों करेक्ट है दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेना मोस्ट अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए इसके लिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है मंथली बेसिस पर पैरामीटर्स पर जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उसके आधार पर एसेसमेंट होंगा पांच ब्रॉड कैटेगरी में ये कि इंडिकेटर्स को डिवाइड कर दिया गया है यानी ग्रुप बना दिया गया है और एक पोर्टल पर इसका परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा जिसको चैंपियंस ऑफ चेंज कहते हैं दोस्तों ये देखो ये कैटेगरीज दिखती है आपको एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइम मिनिस्टर ने तीन दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस था धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरी का 15 जून 2022 तब एड्रेस करते हुए उन्होंने काफी ज्यादा बर दिया है स्ट्रेस किया है कि एडीपी शुड बी एक्सटेंडेड टू ब्लॉक एंड सिटी लेवल ये जो एस्पायरेशनल है है ना डिस्ट्रिक्ट ये सक्सेस हो गए अब ये सक्सेस मॉडल कहां तक लेके जाना है ब्लॉक और सिटी लेवल पर एज अ इंस्पायरेशनल मॉडल है ना वो कहते कि एस्पायरेशन हो गया अभी इंस्पायरेशन होना चाहिए और उसके लिए इंडिया का जो बेस्ट और यंग ऑफिसर्स है उनको वहां पोस्टिंग दिया जाए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ताकि उनका जो शार्प क्रिएटिव थिंकिंग है और फ्रेश आइडिया इसका पूरा पूरा यूज हो जाए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये जनवरी 2018 में लॉन्च किया था 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना था स्टेट इसमें मेन ड्राइवर्स रहने वाले हैं इसका फोकस है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें फोकस करना आइडेंटिफाई लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर इमीडिएट इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस को रैंक करके मंथली बेसिस पर लॉन्च करना फोर्थ क्वेश्चन ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट डील्स विथ विच सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट से ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट डील करता है ए ग्लोबली डिसप्लेस पॉपुलेशन बी इंटरनेशनल फाइनेंशियल डेवलपमेंट सी वर्ल्ड टूरिज्म चेंजेस डी क्लाइमेट चेंज इकोलॉजिकल इंपैक्ट बताइए एकदम से सिंगल लाइन क्वेश्चन है ओके okay, मैं क्लिक कर, कर रहा हूं मैच करो आंसर आंसर इज ए ग्लोबली डिसप्लेस पॉपुलेशन इसके बारे में ये सब्जेक्ट के बारे में ग्लोबल ट्रेंड ट्रेंड रिपोर्ट जो है वो डील करता है दोस्तों न्यूज ऐसा है कि 5 मिलियन इंडियंस अफेक्टेड बाय डिसेस्टर्स एज पर द यूएन बॉडी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यू इन्होंने अपने 2021 के कॉन्टेक्स्ट में यानी जो रिपोर्ट अभी लॉन्च किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि भाई क्लाइमेट चेंज और डिसेस्टर के वजह से इंडिया में पाँच मिलियन जो है आ, लोग अफेक्टेड हैं सारी दुनिया में देखा जाए तो 100 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस हो चुका है बिकॉज ऑफ द वायलेंस ह्यूमन राइट एब्यूजेस फूड इन सिक्योरिटी क्लाइमेट क्राइसिस वॉर इन यूक्रेन एंड अदर इमरजेंसी फ्रॉम अफ्रीका टू अफगानिस्तान सो हंड्रेड मिलियन पॉपुलेशन इज ऑन अ मूविंग कंडीशन इज ऑन अ डिस्प्लेसिंग कंडीशन बहुत ही दर्द भरा यह सीन है दोस्तों लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 में तीन दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट डिस्प्लेसमेंट कंट्रीज चाइना फिलिपाइंस और इंडिया अब इंडिया में मेजोरिटी जो है इंटरनली डिस्प्लेस हो गए थे दुनिया में भी इंटरनली डिस्प्लेस ज्यादातर हो गए थे वो अपने घर में वापस चले गए लेकिन दुनिया में अभी भी फाइव मिलियन ऐसे पॉपुलेशन है जो वापस जा नहीं सका सो दे आर जस्ट अप्रूटेड फ्रॉम दियर होमलैंड फ्रॉम दियर कल्चर फ्रॉम दियर ऑल सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक तो सोच लो कितने बुरे हाल होंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द अमृत सरोवर मिशन अमृत सरोवर मिशन के बारे में स्टेटमेंट्स uh, दिए गए हैं एक लॉन्च ऑन द नेशनल पंचायत राज डे इसका जो यह है लॉन्चिंग यह राष्ट्रीय पंचायत राज दिन जो है उस दिन लॉन्चिंग हुआ टू एम टू बिल्ड वॉटर बॉडीज एट विलेज लेवल ऑफ डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया थ्रू वॉलंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इसका उद्देश्य क्या है तो जो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया यहाँ के जो गांव है वो गांव की जो वाटर बॉडीज है उसको वॉलंटरी पार्टिसिपेशन से बिल्डअप करना है थ्री विल हेल्प नेशनल हाईवे एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड एंड सिल्ट फॉर फिलिंग्स। राष्ट्रीय जो महामार्ग है नेशनल हाईवे और रेलवे इनके प्रोजेक्ट के लिए ये जो मिशन है ये सॉइल और सिल्ट फिलिंग के लिए प्रोवाइड करेगा है ना विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट चलो बताइए क्लिक करूं ओके मैं क्लिक कर रहा हूं आंसर इज टी वन एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली टू नहीं एक्चुअली इसका एम है कि जितने जो फ्यूचर जो है फ्यूचर वाटर बॉडीज और फ्यूचर वाटर बॉडीज को कंजर्व करना फ्यूचर वाटर बॉडीज को कंजर्व करना ये उसका एम है चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है मैं न्यूज में ऐसे अमृत सरोवर मिशन कुड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिशन जो है वो नेशनल पंचायत राज डे यानी ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव ऑब्जेक्टिव है कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए वाटर को कंजर्व किया जाए ये एम है कि भाई डेवलप और रिजुनेट करना है 75 फाइव वॉटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 फाइव वाटर बॉडीज रहेंगी सभी राज्य इसमें कवर कर दिए गए हैं अराउंड 50,000 हजार वॉटर बॉडीज जो है 15 अगस्त 2023 तक रिजुनेवेट करने का उद्देश्य है टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे मिनिस्ट्री को कहा है कि अपना एक मैप बनाइए ताकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ये अमृत सरोवर साइट के नजदीक रहे ताकि आपको सॉइल और सिल्ट पहुंचा दिया जाए सो so दोस्तों पांच क्वेश्चंस आपने सुन लिया है देख लिया है समझ लीजिए ऑल द बेस्ट